तो हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। और ये वीडियो भी है पाकिस्तान के यूट्यूबर्स रिलेटेड। जो भाई साहब, आप लोग आजकल भर भर के प्यार दे रहे हैं, भर भर के मैम प्यार प्यार करते करते तुम पे मरते मरते हो, वही वाला हिसाब किताब चल रहा है, तगड़े वाला प्यार कर रहे हैं लोग। अबे ये सोचो बे, तुमसे भाई प्यार क्यों कर रही है, क्यों, क्या दिखावा है प्यार? इनका एक मोटिव है, तगड़े वाला मोटिव भाई साहब, छोटा मोटा नहीं है। अब ये एक चीज थोड़ी सी सोचो आप लोग, कि जिस देश के अंदर कोई बंदा अगर पॉलिटिशियन के, मतलब पॉलिटिशियन तो चलो, एक अगर आर्मी के खिलाफ बोल देता है, बंदा रातों रात गायब हो जाता है, पब्लिक वहां की तोड़ देती है। अगर वो सलाह मतलब इंडिया की तारीफ कर रहा है या फिर अल्लाह भी मोदी जी बोल रहा है, वो बंदा जिंदा खड़ा है, अपनी मार्केट चला रहा है। वाई हाउ भाई साहब, पाकिस्तान में वो बंदा जिंदा कैसे है? जिस पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी के केस में किसी को भी मार सकते हैं, तो उस बंदे पे ब्लास्फेमी का केस अभी तक लगा क्यों नहीं? उस बंदे से नफरत क्यों नहीं हुई? अभी सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, आबिद अली की बात कर रहा हूँ मैं। उस बंदे पे आज तक अभी ब्लास्फेमी का केस, उस बंदे से नफरत करने वाले, ये खुल छुट्टे कहते हैं कि हिंदू से, वो हिंदू है, वो नफरत करते हैं। बस ऑन कैमरा इन लोगों को क्या चल, भाई हमें प्यार दिखाना है, बस खाली हम लोगों को ये दिखता है ऑन कैमरा, ये चीज़ चल रही है। लेकिन बैक साइड में वो सब इतना कुछ ये लोग बोल जाते हैं, सारे यूट्यूबर्स की बात बोल रहा हूँ, कि अपनी गवर्नमेंट को गाली देते हैं, अपने लोगों को गाली देते हैं। ये लोग क्या मार्केट में नहीं निकलते? कहीं कभी नहीं निकलते हैं? इन लोगों को पहचानता नहीं है, इनके आस पड़ोस इनको पहचानते नहीं है, क्या वो देखते नहीं होंगे? कभी ना कभी उन लोगों की नज़र के सामने नहीं आता होगा? ये दो बहनें कहती हैं कि नहीं वो तो ऐसे हैं, सनातन धर्म ऐसा है वैसा, इतना अच्छा है, ये है वो है। तो आपको ये लगता है कि ये लोग दूसरे धर्म की तारीफ करेंगे तो इनके लोग इनको माफ़ कर देंगे, छोड़ देंगे इनको? जहाँ हाईली रेडिकलाइज लोग रहेंगे, जहाँ झूठते कहते हैं कि अगर तुम इस्लाम के खिलाफ बोलोगे मारे जाओगे, इस्लाम के सिवा कुछ बोलोगे तो मारे जाओगे, वहाँ तुम्हें ब्लास्फेमी एक इसमें बदला लेने के लिए कर कुछ भी हो, बंदे को अगर वैसा नहीं मिल रहा है ब्लास्फेमी एक इसमें फंसा दो। तुम अपनी गवर्नमेंट के बोल रहे हो कि अपने आर्मी के लोगों को बोल रहे हो, जो ये कह रहा हूँ मैं, जो रिएक्शन चैनल्स वाले हैंगे, मतलब बैठ के वो चूतिया पंती करते हैं घर पे, रिएक्शंस देते हैं, जो लोग बाहर जाके ससुराल किसी के पिछवाड़े में माइक देते हैं, इनकी भी इन लोगों को कोई कुछ होता है क्यों नहीं है, कुछ बोलते क्यों नहीं लोग? बल्कि मैंने एक वीडियो देखा था कि बंदा इंडियन कंटेंट पे काम कर रहा था, शायद उसके पीछे कोई बैक नहीं थी, शायद उसके पीछे कोई बैक नहीं थी, उस बंदे को लोगों ने घेर लिया, मारने पे उतारू हो गए। जो इंडियन कंटेंट पे ज्यादा कर रहे हैं, मतलब हमारे पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़े? रियल एक सेकंड, एक ग्रुप मेरे पास आया और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक खतून है रिबाहा इमरान नामी, जो कि इंडियन कंटेंट करती हैं और चंद पैसों के लिए पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं, और कुछ दिन पहले उन्होंने इंतहा करते हुए एक कंटेंट किया जो एंटी इस्लामिक। आपके जो टॉप 10 टॉपिक्स है ना, इनमें किसी एक भी बंदे को उसके बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से हूँ ना। आप यहाँ पे आके इसको कह रहे हैं कि इंडिया के हक में फलां बात करते, इंडिया के हक में फलां बात करते, वो आपकी स्क्रीन पे आने के लिए इस तरह की बातें कर देता है, फिर आप मुझे आगे से जो है मॉरल वैल्यूज पे लेक्चर दे रहे हैं, गुजरते हैं, आपको जबरदस्ती रोक रोक के जो है ना इस तरह लोगों से इंटरव्यू करवाते हैं। इनमें से बहुत से लोग इंडियन कंटेंट करते हैं जिनका थंबनेल हिंदी में लगा होता है, उसी की एक कड़ी थी। पिछली बार हमने एक वीडियो की थी जिसमें एक खतून एंटी इस्लामिक एंटी पाकिस्तानी काम कर रही थी, और अब तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने दोबारा काम शुरू कर दिया, क्योंकि नाज़रीन जो ये डॉलर की लत है ना, जब डेली की बुनियाद पे आपको 15-20-50 हज़ार रुपया आता हो तो किसको, कौन घर बैठेगा? क्या कहना चाहेंगे आप कंटेंट क्रिएटर? मैं इंडियन कंटेंट के खुद खिलाफ हूँ, मैंने खुद इसके ऊपर वीडियो क्रिएट छोटी सी की। नाज़रीन एक साहब हमारे पास मौजूद हैं, बता रहे हैं कि काफ़ी बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब भी यहाँ से गुजरते हैं ये इंडियन कंटेंट क्रिएटर जो है घेरा डाल के रोक लेते हैं और मजबूर करते हैं कि इंडिया के हक में कोई बात करते हैं। क्या मामला इन्हीं से जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सही, आप इंडिया जाना चाहते हो, क्या करते हो? इंडिया तरक्की करके आगे जा रहा है, ये कर रहे हैं, हमको इसको पता ही नहीं चीज़ का इंडिया है क्या, क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये उस बंदे को पकड़ता है जो शरीफ हो, उस चीज़ का पता ही ना हो। आपने कभी दिया इंटरव्यू? जी मैंने काफ़ी इंटरव्यू इसको दिए हैं, कोई पता नहीं किस बारे में? नहीं नहीं, मुझे कह रहा है इंडिया बड़ा तरक्की कर रहा है, मेरा इंडिया ये ट्रेन बना रहा है, इंडिया ये बना रहा है, मुझे चीज़ का इनम नहीं, तो मैं क्यों बताऊँ आपको? इंडिया तरक्की कर रहा तो हम क्या, इंडिया अपनी मुल्क है, हम अपने मुल्क है। आपको जीन माने, मैं अगर अभी इस शख्स का व्हाट्सएप चेक कर लूं, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि इसके रबते वहां के लोगों के साथ होंगे और वहीं से इसको बताया जाता होगा कि आज ये अपडेट होगी, क्योंकि आप जिस तरह का कंटेंट करते हैं उसी तरह की जो गैदरिंग है वो आपको मिल जाती है। उस बंदे ने नाम किसका लिया? शोएब चौधरी का। शोएब चौधरी का नाम लिया, उस बंदे का हिम्मत नहीं है कि किसी को हाथ लगा सके। इन लोगों को हाथ क्यों नहीं लगा सकता कोई? रिबाहा इमरान इसके पीछे ही पड़ गए थे स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही इसको बैक मिली लोगों की, मतलब इनकी जो आर्मी की बैक मिली कि हाँ बेटा तुम भी आ जाओ अब हमारी गैंग में, जैसे आर्मी के लोगों को बैक मिली, पीछे से सिक्योरिटी मिली, और ये लोग सारे पीछे से गायब, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे पाकिस्तानियों को इस चीज़ का पता है
ये बोल नहीं सकते क्योंकि इनके पीछे इनका कोई ना कोई आर्मी का बंदा पीछे खड़ा रहता है, या फिर इनको सच में ये पता है कि ये इनका गेम ही यही चल रहा है, क्योंकि इन्होंने जंग करके देख ली, टेररिज्म करके देख लिया, फोर्ट डालो करके सोच लिया, लेकिन इनका नहीं चला, अब ये प्यार से कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यार सोचने वाली है, जहाँ पे अगर कोई बंदा कुछ भी छोटी सी चीज़ बोलता है वहाँ के बंदे रातों रात गायब हो जाते हैं। सिंध में देख लो, पीओके में देख लो, गिलगित में देख लो, रातों रात बंदे गायब होते हैं वहाँ से। तो ये बंदे गायब क्यों नहीं हो रहे यार? इन बंदों को कोई हाथ क्यों नहीं लगा रहा? इन बंदों को कोई मार क्यों नहीं रहा? अब एक चीज़ ये सोच लो, चीनी बंदे ने काम करने के लिए बोल दिया, उस बंदे को जेल में घुसा दिया गया, और ये बंदे तो मतलब अपने ही देश के खिलाफ बोलते हैं, और ये लोग जिंदा भी हैं, इन लोगों को कुछ कर भी नहीं रहा है। सोचो भाई, बहुत बड़ी बात है यार, ये छोटी बात नहीं है। इंडिया नहीं है कि आप इंडिया में कुछ भी बोल के खुलेआम घूमते हो, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में आप बोल नहीं सकते भाई साहब, आपको ठोक दिया जाएगा, गायब हो जाओगे आप। जब ये सोचो कि जहाँ पे एक पॉलिटिशियन ने बोल दिया था, उसके नट बोल्ट टाइट कर दिए गए थे, याद है ना, वो उसके जेल भरे तहरीक वो कुछ चला था इमरान खान, उससे पहले कोई पॉलिटिशियन था, उसने कुछ बोल दिया था, उसके नट बोल्ट टाइट कर दिए गए थे। तो ये लोग आम लोग हो के भी इन लोगों को कोई इतना कुछ बोल जाते हैं, इन लोगों को कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, उठाता क्यों नहीं, ये पब्लिक इनको तोड़ती क्यों नहीं भाई साहब? जहाँ के लोग हाईली रेडिकलाइज्ड हैं, जहाँ का बच्चा बच्चा रेडिकलाइज्ड हैगा, वहाँ पे लोग ये बोलते क्यों नहीं? जहाँ पे टीचर खुद कहता है कि हम आतंकवादी हैं, हमें जिहाद करना है, तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़ो कुरान को। मसल कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं। अल्लाह के दुश्मन है, उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो APS में आके मासूम बच्चे, सुने आपने, वहाँ के बच्चे तो भाई साहब, वहाँ के स्टूडेंट तो पैदा ही हुए होंगे ना जिहादी आतंकवादी, और उस देश में रह के ये लोग अपने अपोजिट कंट्री, जिसको ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है, वो सडनली इनका दिमाग कैसे चेंज हो गया कि भाई दुश्मन नहीं है? चलो मान लिया मैंने सडनली दिमाग चेंज हो गया, तुमने पढ़ा, सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई, लेकिन तुम वो सच्चाई लोगों के आगे बक रहे हो, बोल रहे हो ना, वो कुछ लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये हाल है कि अगर तुम सच बोलोगे ना तो तुम्हारी गर्दन उतार दी जाती है। वहाँ पे वही होता है कि जो वो लोग सोचते हैं उससे अलग नहीं करते, लेकिन तुम लोगों के खिलाफ ना कोई FIR, ना तुम लोगों को मारा जा रहा है, ना कोई केस चल रहा है तुम लोगों के ऊपर। ये कौन से वाला प्यार है? इस प्यार को क्या नाम दूँ भैया, या इस तुम लोगों की कॉन्स्पिरेसी का क्या नाम दूँ? क्योंकि तुम लोग टारगेट सिर्फ इंडियंस को क्यों कर रहे हो? क्यों तुम चाइनीज़ को टारगेट नहीं कर रहे? वहाँ के मुस्लिम्स के बारे में तुम लोगों के मुंह में जवान नहीं होती? जो तुम्हारे पाकिस्तानी लंदन में US में, क्या उनको हिंदी नहीं आती? उन लोगों से बात क्यों नहीं करते भाई? उन लोगों की क्या कंडीशन है वहाँ पे? बांग्लादेश में बात क्यों नहीं करते? जब वहाँ भी बात करो ना, वहाँ की भी बात करो, हमेशा इंडिया 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 क्यों? श्रीलंका में भी बात करो, जब देखो इंडिया 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 क्यों भाई, वाई? और सबसे बड़ी बात ये इनकी यही है कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में, इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ इनकी आर्मी ही खड़ी है, और ये सच बात है, इनके पीछे इनकी आर्मी खड़ी है। ये लोग इसलिए सिक्योर हैं, नहीं तो अब तक जिस कंट्री में भाई साहब छोटी छोटी बातों पे बंदों की गर्दन उड़ा दी जाती है, जिस कंट्री में एक डेड बॉडी सेफ नहीं हो सकती, उस कंट्री में खड़ा होकर ये बंदे दूसरी कंट्री का गुणगान करेंगे, और खासकर इंडिया का। चलो चाइनीज़ वाइनीस का करते तो मैं मानता भी, खासकर इंडिया का गुणगान करेंगे, तो इन लोगों को कुछ क्यों? पब्लिक कुछ नहीं कहती, पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कहते, है आर्मी कुछ नहीं कहती, पुलिस वाले कुछ नहीं कहते, वाई? सही पकड़े हैं। अब ये सोचो कि इमरान खान तक को टारगेट किया गया है, इमरान खान XPM, और इन लोगों को खरोंच तक नहीं आई है। सोचने वाली बात है भाई कि जिस कंट्री में इतना गंद फैला हुआ है, वो कंट्री अपने दुश्मन देश की तारीफ कर रही है, और इन लोगों के ऊपर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। दैट्स मीन कि ये जिस मर्जी से बात करते हैं, जैसी मर्जी बात करते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई उंगली नहीं, कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये अपने टेलीविज़न पर भी बोल, मतलब अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इतना कुछ बोल देते हैं, लेकिन इनको कोई कुछ नहीं बोलता। मेन स्ट्रीम मीडिया तक को उठा लिया जाता है भाई साहब, लेकिन इन बंदों को नहीं कुछ बोला जा रहा। वाह, कहने का यही मतलब है कि भाई साहब पीछे से इनको पूरी सपोर्ट है आर्मी की, इनके टेररिज्म की पूरी तगड़ी सपोर्ट, कि मार से देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इंडिया को हम प्यार से बर्बाद करें। और ये बैकडोर है, इनका बैकडोर नहीं है, इन्होंने बैकडोर से आने की कोशिश करी, इनका पिछवाड़ा टूट गया।
72 हुजूर के पास सीधा पहुंच गई है। अब ये इनका फ्रंट डोर है और फ्रंट डोर ऐसा है कि खटखटा के तुमसे इजाजत लेके तुम्हारे घर में आ जाएंगे। कहता ना इज्जत से तुम्हारे घर में आ रहे हैं, तुम्हें बर्बाद करेंगे। अब ये धीरे धीरे वो एक चलता ना लव जिहाद, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो ये बोलेंगे नहीं, इंडियन बोलेंगे नहीं नहीं भाई साहब, मेरी शायला ऐसी नहीं है, मेरी मैविश ऐसी नहीं है, मेरा बंदा ऐसा नहीं है। लेकिन ये साला ये है ऐसा, और ये 100% आई एम श्योर इस चीज़ की गारंटी है। और अगर नहीं मानते मेरी बात को तो मैं किसी कश्मीरी से ही बोलता हूँ जो मतलब यू नो ही नॉर्मल है, मतलब यूट्यूबर जो कश्मीरी हैंगे जो नॉर्मल लोगों से बात बात करते हैं पॉडकास्ट कर, बैक एंड पे कुछ मत करो आप लोग, बस खाली ना इनकी कहते ना एक स्क्रीन रिकॉर्डर आता है विद वीडियो ऑडियो, इनसे वीडियो कॉल पे बात करो और छेड़ दो तुम्हें ये बात कि नहीं मुझे पता नहीं कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं तो ये करूँगी वो। ये भाई साहब इनके अंदर का ना वो कहते हैं ना वो पीछे से जो एनाकोंडा घुसा इनके मुँह से निकल के बाहर आएगा, फिर ऐसा निकलेगा तड़प 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 करके एकदम से बाहर आके जीभ निकाल के फटाफट ढसना चालू कर देगा। और ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इवन इंडिया से बाहर भी पता लगे जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं एनआरआई रह रहे हैं इंडियंस रह रहे हैं, मैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये लोग अगर आप लोगों के घर में आना जाना आपके यार दोस्त हैं तो इनसे सारे नाते तोड़ लो। अब ये सोच लो जिन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, जो लोग एक डेड बॉडी को नहीं छोड़ते, डेड बॉडी का रेप करते हैं, जो अपनी माँ बहनों का रेप करते हैं, तो क्या जो तुम्हारे घर में ये आ रहे हैं पाकिस्तानी वो तुम्हारी माँ बहन को बेटी को उसी नज़रिए से देखेंगे जिस नज़रिए तुम अपनी माँ बहन बेटी को देखते हो? क्योंकि इनके लिए औरत सिर्फ एक ही है, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो उसके साथ एक गंद फैलाएंगे। ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं और उसमें फंसती कौन है? जो हिंदूज रहती हैं या फिर जो क्रिश्चियंस रहती हैं, वो मुस्लिम्स को ही नहीं होते उसमें। इनका एक मेन मोटिव यही है, ये पाकिस्तानियों की जो मेंटेलिटी है, और ये प्रूव्ड है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये प्रूव्ड है भाई साहब। अगर कोई बाहर से देख रहा है, कोई इंडियन नहीं देख रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो उन तक सबसे शेयर करो जो लोग खासकर पाकिस्तानी के साथ अपने मतलब वो भाईचारे वाला कुछ भाई भाई करते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि इन सालों का मोटिव सिर्फ एक ही रहता है, गंद मचाना। अब एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जिस देश के अंदर उसकी सगी बेटी उसकी सगी बहन सेफ नहीं है, एक डेड बॉडी सेफ नहीं है, तो वो सोचो कि फिर वो आप तो दोस्त हो तो फिर आपके घर की लेडी से कैसे सेफ रहेंगी भाई, बहुत बड़ी बात है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, और हाँ मैं प्लीज़ अपने इंडियन उस भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन लोगों की पोल पट्टी खोलने में मेरी मदद करें, ताकि जो कुछ आगे होने वाला है कि मे बी मुझे लगता है कि जैसे अभी पुंछ का अटैक हुआ है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन लोगों के टच में आके कोई ना कोई फंसेगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, तो उससे पहले इनको ना बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। और ये सच बात है, जो लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं ना, मैं इन लोगों में से किसी भी इंडियन मुस्लिम से रिक्वेस्ट करूँगा भाई प्लीज़ 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 आप अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करें और पहले पॉडकास्ट करें, पॉडकास्ट में मतलब नॉर्मल, और फिर बैक एंड पे इनसे बात करें कि भाई ये बात है वो बात है ऐसी है, इनका कहीं ना कहीं जहर निकल के आएगा और तगड़े से निकल गया, मे बी शायद एक दिन में ना आए 10 दिन में आए, लेकिन आएगा ज़रूर। और ये क्योंकि ये उसी प्रोपेगेंडे पे उसी मैसेज पे काम कर रहे हैं, और काम कौन करवा रहा है बैक एंड पे? ये इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करवा रही है, इनके ही आर्मी वाले काम कर रहे हैं। क्योंकि एक छोटी सी बात आप खुद भी समझो ना यार, जिस देश में कोई कुछ नहीं बोल सकता उस देश में खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं वो चीज़ें, और इनको कोई कुछ नहीं कर पा रहा, टच भी नहीं कर रहा इनको। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, और एक ही नारे के साथ, किस नारे के साथ? कश्मीर बन गया हिंदुस्तान, भाड़ में जाए पाकिस्तान और कांड मराए इमरान खान। चलते हैं, तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।